मेरे बैकग्राउंड को देख के लग ही नहीं रहा कि अभी 4:45 हो रहा होगा, क्योंकि यूजुअली ऐसा टाइम में स्पेशली अक्टूबर अक्टूबर आने वाला है, लेट सनराइज़ होता है ना, बट यहाँ पे देखो इतना उजाला है, यानी कि सनराइज़ अराउंड 4:20 ऐसा के करीब हो गया था शायद, बट मुझे नहीं लगता प्रॉपर सनराइज़ हुआ, क्योंकि अगर सनराइज़ प्रॉपर होता ना तो हमें लाल लाल सा दिखता, बट लाल लाल सा हमें रेस नहीं मिला ना। बस 100 स्टेप्स की चढ़ाई करनी है तो उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। स्टेप्स नहीं, एक्चुअली पत्थर से चढ़ना है, बट मैं अंदाज़ा में बता रहा हूँ। और लास्ट एक बार व्यू देख लीजिए, ऊपर चढ़ने से पहले पीछे का व्यू देख लीजिए और उस साइड का भी व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोगों को बेस्ट सजेशन देना चाहूँगा मैं, सिंस अंजाव या फिर तेजू से वालों उतना दूर नहीं है, तो आप डायरेक्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के, अगर आप मान लीजिए डिब्रूगढ़ से भी निकलते हो या फिर पासीघाट से भी निकलते हो या तो नामसाई से भी निकलते हो, तब भी आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलोगे ना तो आप इस एरिया में, वो जो प्लेन वाला एरिया दिख रहा है ना, उसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं करना, वो पास में ही है रास्ते से। तो आप लोग ग्रुप में आओगे तो टेंट लेके आइए और वहाँ पे आप बैठ सकते हो, बस शर्त है वहाँ पे अगर आप आग जलाते हो तो ध्यान से देखना, और आग जलाना अलाउड है कि नहीं उस वाले एरिया में मुझे पता नहीं, प्लेन वाले एरिया में, इस वाले में तो अलाउड नहीं है, उस वाले में एरिया पता ही नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पे या फिर जो नीचे नदी दिख रहा है वहाँ पे आप कैंपिंग करके बैठ सकते हो, क्योंकि उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपना सेटअप वहाँ पे बनाओगे ना वालों, क्योंकि दूर पड़ जाता है, बहुत दूर पड़ जाता है, तो आप अपना सेटअप यहाँ पे बनाओगे तो आपको यहाँ पे चढ़ने में देरी नहीं होगी, आप जल्दी चढ़ जाओगे, जल्दी पहुँच जाओगे। Time flies by in a yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like in Dong Valley, Dong Valley. तो भाई क्या हम लोग पहुंच गए? पहुंच गए। ओके, तो यहाँ से नीचे का व्यू और अभी मैं ऊपर का व्यू दिखाने वाला हूँ, क्यों अभी एनर्जी आ गया, मैं दौड़ूंगा बहुत ही तेज दौड़ूंगा। वो यहाँ भी प्लेन है ना, वो अगर इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को टेस्टी निबल्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक फूड प्रोडक्ट है जो कि फिश पे बेस्ड है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, मैं खुद खाता हूँ और जर्नी के टाइम स्पेशली कैरी करके जाता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे कैंस में आते हैं जो कि मेरे लिए पोर्टेबल भी होता है प्लस टेस्टी तो होता ही है। मेरा मोस्ट फेवरेट फ्लेवर टूना इन मायो, ये रेडी टू ईट होता है क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड होता है, आप इसको ब्रेड के साथ, रोटी के साथ, जैसे जैम हम यूज़ करते हैं ना वैसा करके भी खा सकते हो, अपने कोई भी अंदाज में खा सकते हो, उसको पकाने की जरूरत नहीं। दूसरा आता है लाइट मीट टूना चंक्स इन सनफ्लावर ऑयल, लाइट मीट टूना फ्लेक्स इन ऑलिव ऑयल एंड लाइट मीट टूना चंक्स इन वाटर। इनमें से जो मैं खाना पसंद करता हूँ वो है लाइट मीट टूना चंक्स इन वाटर, जिसको मैं अपने स्टाइल में खाता हूँ। मैंने इसमें डाले हैं टमाटर, प्याज, लहसुन और भाई नॉर्मल फ्राई करके तेल के साथ खाया है और खाता हूँ। ये टूना 25 से भी ज्यादा वेरिएंट्स में आता है, इसमें इंक्लूडेड है व्हाइट मीट टूना, लाइट मीट टूना इन सनफ्लावर ऑयल, इन ऑलिव ऑयल एंड इन वाटर। वी हैव बोथ लाइट मीट एंड व्हाइट मीट और इसमें जितने भी हाइजीन के प्रोसीजर होते हैं वो जापानीज स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इसमें ना ही कोई स्किन है, ना ही कोई स्केल है, ना ही कोई रेड मीट है, ना ही कोई थॉर्न्स है और ना ही कोई ऑर्डर है। 24 मंथ्स का शेल्फ लाइफ है, यानी कि 24 मंथ्स तक एक्सपायर नहीं होगा। न्यूट्रिशियस है प्लस टेस्टी भी है। इट इज रिच इन ओमेगा 3 एंड प्रोटीन, लो फैट, हाई मिनरल्स एंड विटामिंस भी है और ये दुनिया वालों का फेवरेट इंडियन टूना ब्रांड है। अगर आप इन टेस्टी एंड हेल्दी प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें क्लिक कीजिए एंड यूज माय प्रोमो कोड लेजिंग फॉर स्पेशल डिस्काउंट। डायरेक्ट वेबसाइट से जाके भी ले सकते हो, www.tastynibbles.in। तो यार एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। एग्जैक्टली कहाँ दिखता है सनराइज? ऊपर से दिखता है, नहीं इस पे भी दिखता है ज्यादा अच्छा से मिलता है ना। हां ऊपर से निकलता है, उधर से निकलता है ना। ओके, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। वाह, और एक वैली है, थोड़ा बीच में चलता है ना। अरे ये कौन जलाया होगा? अभी भी हम जलाया, कचरा था ना। ओ कचरा था, आप कचरा जलाया ना। ओके ओके, इससे आग तो नहीं लगेगा ना जंगल में? इसमें नहीं जलेगा ना, पूरा हरा हरा घास है ना। हाँ कितना अच्छा है, आप अपना जगह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, और कुछ कुछ टूरिस्ट लोग समझता ही नहीं, मतलब छोड़ के चला जाता है। वो अच्छा अच्छा रहते हैं, मतलब टूरिस्ट समझदार वाला भी है ना, वो जला के चला जाता है। अभी जो उल्टी का प्रॉब्लम हो रहा था वो भी चला गया, एकदम फूले नहीं समा पा रहा हूँ मैं, फूले नहीं समा रहा हूँ। कितना खूबसूरत है, इतना अच्छा जगह पे आके आई एम मिसिंग समवन।
अकेले नहीं आना चाहिए था मुझे, ये तो तय है। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि आप अकेले इसलिए जाते हो क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता और आप वहाँ पे शांति से रह सकते हो और आपको अकेले रहना पसंद होता है। बट इस जगह पे आप अकेले आओगे तो आप अगर सिंगल भी हो तो आपको गर्लफ्रेंड बनाने का मन करेगा। यहाँ में वो लोग मतलब कि इसमें सोते हैं ना, टेंट लगा के ना। बहुत मजा दिखता है, मजा है ना वीडियो ना। आइया क्या जगह है यार, ये जमीन को खरीद सकते हैं क्या? अरे कहाँ घुस रहे हैं आप? घर है क्या ये? ओह कचरा ना, कौन बैठता है यहाँ? मैं यहाँ कोई नहीं बैठता। ये बंकर है, बंकर आर्मी लोग का। 1961 और कब का? 1965 वॉर का ना। ओके, ये कहाँ से अटैक किया था चाइना? चाइना इतना तो पता नहीं है लेकिन तरफ से आया बोलते चाइना, वो बोला जा दो पाता ना। हाँ हाँ, वहाँ से नाम बोला था। और कहाँ से आप लोग दिखाई रहता है बोला था? चाइना, चाइना आगे आगे किपितो से, किपितो से काहो से भी दिखेगा ना, काहो से भी दिखेगा, किपितो से भी दिखता है। फिलहाल आप इसका मज़ा लीजिए और टूरिस्ट लोग से रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, ये सब मत करके जाइए। पता है आप लोग बेवड़े हो बट अपना बेवड़ा पंथी मत दिखाइए। इस वाले व्लॉग में थोड़ा रूट लग रहा हूँ किसी किसी को, बट मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी किसी के लिए बोल रहा हूँ। मतलब हर, और उनको ही बुरा लगेगा जो लोग ऐसा करते हैं ना, और जो लोग जो पहले मैंने बोला था वैसा करते हैं उनको ही बुरा लगेगा। जो टूरिस्ट अच्छे हैं उनको तो कुछ नहीं लगेगा क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। हम यहाँ पूरा दिन भी अकेला रह सकते हैं यहाँ में, पूरा दिन हम कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही जस्ट व्यू को देख के चुपचाप लेट के भी हम बैठ सकते हैं पूरा दिन आराम से। अब ये कचरा को जला रहा है, चलो हम भी मदद करेगा। अभी आ ही गए हूँ इतनी सुबह, अभी बज रहे हैं 5, तो क्यों ना थोड़ा सा अच्छा काम करके जाऊँ भाई हम दोनों। तेरी आका साकी नाका। गैस मैं अभी रिसेंटली मुंबई गया था, मुझे मुंबई जाके पता चला कि जो तेरी माँ का साकी नाका है बोल के ना, एक ऐसा है ना, क्योंकि तेरी माँ की जो बोलते हैं वो थोड़ा गंदा सुनता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो उसके बदले में एक क्यूट वाला गाली निकले तेरी माँ का साकी नाका। मुंबई जाके मुझे ये पता चला कि साकी नाका एक जगह का नाम है, साकी नाका पुलिस स्टेशन देखा था मैंने मुंबई में। तो वही पहले सोचता था मैं कि व्हाट इज साकी नाका ना, साकी नाका इज दैट। कैंपिंग करते हो तो ऑब्वियसली आग जलाते हो, तो आग जलाते हो तो कचरे को भी काइंडली उसमें डाल दिया करो, और आपको पूरा जलने देना या तो बुझाते हुए जाना ना भाई ना, रिस्की है ना। नहीं तो बेचा पहले भी गाछ कितना जल के था, मतलब कि ये चीन पर बहुत खतरा था। हाँ, इसमें पूरा तेल है तो जल देता। हाँ, ये हो क्या वैसा खतरा, तेल निकलता उधर वही पेड़ का जैसा ना, पेड़ से तेल निकलता है ना, छिले से भी तेल निकलता था। पाइन ट्री के बारे में मुझे ये चीज़ अभी पता चला कि बहुत ज़्यादा ऑयली होता है जिसके वजह से जल्दी आग पकड़ता है। ठंड के मौसम में आएगा गाइस, अभी मैंने क्या गलती की पता है? इस वाले मौसम में मैं आया तो उससे सनराइज़ होता है, और सनराइज़ आज एक्चुअली हुआ ही नहीं। अब मतलब हुआ है, धूप तो निकल गया है, थोड़ा बहुत ऊपर में दिखाई दे रहा है उन पहाड़ों में, बट आप देख रहे हो काला बादल ना, उसके वजह से जो लाल लाल वाला होता है वह हमें नहीं दिखा। तो इस मौसम में क्या होता है कि अभी ठंडा सीज़न, विंटर सीज़न आने वाला है, समर सीज़न ख़त्म होने वाला है, जिसके वजह से ठंड और गर्मी के मिक्सचर में फॉग बहुत ज़्यादा निकल जाता है, और उसके वजह से क्या होता है कि आपको सनराइज़ देखने को नहीं मिलता। या तो आप समर के ऐसा टाइम में आए जब बहुत ज़्यादा धूप निकलता हो, बारिश बिल्कुल भी ना हो, या तो आप विंटर में आइएगा। विंटर में भी कभी कभी फॉग होता है लेकिन विंटर में देखने को आपको शायद अच्छे से मिलेगा। प्लस इन पहाड़ों में जो आपको ये पहाड़ दिख रहा है, उन पहाड़ों में पूरा बर्फ़ बिछा होगा तो और व्यू अच्छा होगा। बट मेरे लिए ये भी काफ़ी, आई एम सेटिस्फाइड कि 2024 आने से पहले मैंने इस विश लिस्ट को भी पूरा कर लिया। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है आनी नहीं के बाद हाफ लॉन्ग के बाद त्रिपुरा के बाद स्पीति वैली के बाद फॉरेन कंट्री। तो
फॉरेन कंट्री जाने से पहले जितना भी मैंने अभी इंडियन प्लेसेस के नाम बताए हैं, उम्मीद करता हूँ कि मैं ये साल ख़त्म होने से पहले सब में ट्रैवल कर लूँ। आपको ना वाले पुराना डोंग घुमाने नहीं देगा ना? पुराना डोंग इसका इसका पीछे में ही इसका पीछे में है ना, उसमें वो सब खाने की बहुत क्या क्या चीज़ें मिलता है। बाइक जाता है उसमें? इधर ही सामने 5 मिनट भी नहीं लगेगी। और 5 मिनट और चलो चलो वो नीचे जाके है ना। वो हम मतलब कि वहाँ पे बेचता था पहले। आप लोग बहुत पहले में तो वहाँ से छोड़ के पानी खराब हो गया था, पाइप जल गया तो हम यहाँ आ गए। तो आप लोग के बारे कुछ बताइए ना, आप लोग का डेली रूटीन क्या होता है? आप लोग सुबह उठ के क्या करते हैं, कितना बजे सोता है, कितना टाइम खाना खाता है, और आप लोग कैसे अपना गुजारा करता है? गुजारा मतलब समझता है तो ना, मतलब कैसे अपना लाइफ चला काम चलाता है बताइए कुछ। अच्छा तो क्या बताइए, मैं सुबह कितना बजे उठता है वो सबसे लेके पूरा अपना डेली रूटीन बता पूछ रहे हैं हम। सुबह तो हम ज़्यादा देरी तो नहीं होता है, जल्दी मतलब जल्दी तो नहीं होता है, सुबह बोने से भी 6 बजे होते हैं हम तो। 6 को आप जल्दी नहीं बोल रहे, हम तो 10-11 बजे उठते हैं, उसको क्या बोलेगा ना। हाँ चलिए, और उसके बाद तो सिर्फ काम करता है। हाँ अभी तो स्कूल भी पढ़ता था। हाँ मालूम स्कूल जाता है। और उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए क्या करता है, क्योंकि यहाँ में तो नेटवर्क वेटवर्क भी इतना ठीक ठाक नहीं है तो उसके लिए वहाँ में हम ग्राउंड है तो वालों में वहाँ में खेलने के लिए जाता है। फुटबॉल वॉलीबॉल भी खेलता है, टूर्नामेंट भी होता है वहाँ, क्रिकेट। आर्मी वाला लोग के साथ भी खेलता होगा? हाँ वैसा नहीं, मतलब कि अलग से टूर्नामेंट भी कराता है, अलग से भी कराता वो लोग, मेरे वाला लोग कराते हैं। ठीक है, आप जैसे वैसे रहिए, आप बहुत फ्रेंक है ना, सबसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ में एक दो लोग थोड़ा शर्म करता है क्या, अच्छे से बात नहीं करता है ना, तो आप ऐसा मत कीजिए ना। उसके बाद यहाँ पे भी रहिए या, लेकिन एक हो सकेगा तो एक दो बार ना टाउन वगैरह भी घूमिए, वहाँ का चाल चलन को देख के ना, वहाँ से सीख के यहाँ आके अपना जगह को डेवलप कीजिए, हम तो यही बोलेगा। अभी हम जो होम स्टे में बैठा हुआ है ना, वहाँ का मालिक भी बहुत स्मार्ट है, वो भी वही कर रहा है, अपना वालों को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है वो जो ना। और यहाँ पे क्या 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 देखने को मिलता है यहाँ पे, जैसे कुछ हम बर्ड्स का कुछ सुना था यहाँ में तो बहुत कुछ है ना चिड़िया देखने का, ठंडा महीना तो बहुत आता है चिड़िया देखने। 6-6 स्पीसीज है ना चिड़िया का ना यहाँ पे, जो वो नहीं होता है, मतलब जो बाकी जगह में कहीं नहीं मिलता, सिर्फ वालों में मिलता है ना, यहाँ में मिलता है इधर में। इधर में पता नहीं, लेकिन एक चू ने नाम बताया था, भूल गया हम, एक चू आया था देखने के लिए, इसका नीचे में देखा ना तो उसने बोला वो मतलब क्यों नीचे बहुत दूर से था वो कहाँ से बोला, दिल्ली ना मुंबई ना दिल्ली, मुंबई बोला था क्या, वहाँ से आया बोला, दो टू साहब था ना, तो उसने बोला वो लोग का कैमरा भी बहुत अच्छा अच्छा कैमरा था ना, तो वो बोला फास्ट तो मेरे को सनराइज देखेगा बोल के आया ना, तो चढ़ नहीं सका इसके नीचे, उसके नीचे स्टेप तक चढ़ा है, नहीं फर्स्ट स्टेप तक चढ़ा है, तो वहीं में थक गया, तो वो बोले जा रहे जा रहे, तो उसने एक चू चिड़िया का आवाज़ कराया मोबाइल से, तो वो चिड़िया खुद ब खुद आ गया सामने, रेस्पॉन्ड किया वो ना, तो किया तो मतलब कि उसको वो लचिया था बोला ना वो चिड़िया, तो उसका सक्सेसफुल हो गया, तो वो बहुत खुश हो गया। मेरे को 200-300 रुपये दे ही गया था, डिस्कवर किया वो जो ना। आप लेके आया था वो टूरिस्ट को, वो यहाँ तक नहीं चढ़ पाया था, यहाँ तक नहीं चढ़ पाया कि क्या आदमी था वो, सर तो नहीं पूछे हम भी भूल जाता ना, मतलब वो ये इंडियन मतलब ये अरुणाचल ही था ना, बाहर का था, बाहर का था, यहाँ अरुणाचल का नहीं था, बाहर का ही था। हम तो हम बूढ़ा हो गया लग रहा है भाई, बहुत हम कैसे बूढ़ा आदमी ऐसे बात कर रहा है आजकल हम ना। मेरा बर्थडे 24 सितंबर को है, 28 ईयर्स का होने वाला है, तो असर हो रहा है, 30 पहुंचने वाला है, 2 साल इसके और 2 साल का 30 हो जाएगा। आदमी लोग बुढ़ा ना जवान बोलते हैं, बुढ़ा ना। हाँ आजकल ऐसे ऑपोजिट हो रहा है, मतलब जो लोग 50+ है ना वो लोग खुद को जवान सोचते हैं वो लोग जो। तो भाई हम दोनों भी अभी जाएंगे जो पुराना वाला डोंग यानी कि इनका ओरिजिनल बस्ती, फिर से लोग वहाँ पे वापस शिफ्ट होने वाले हैं ऐसा कह रहे हैं, रास्ता बनने वाला है वहाँ पे। रास्ता बन गया? बन गया, पूरा रोड ही जाता है, पूरा रोड जाता है, रोड ही है पूरा। ओके एकदम, आपको भी मजा लगेगी वीडियो बनाना। तो वहाँ में क्या क्या होगा? ये फल काफी चीज है, मतलब फ्रूट्स लोग है ना, संतरा वंतरा ना, ठीक है खाएगा। हाँ जैसा जैसा भी होगा, पका हो मत हो खाएगा हम तो। चलो टच मी नॉट लाजवंती प्लांट, शर्माओ मत, वो वाला नहीं है ना। अरे वो नहीं है क्या? अरे फ्लॉप हो गया, फ्लॉप हो गया वो नहीं था। हाँ सेम है तो दिखने में, टच करने से जो फोल्ड हो जाता है ना। गाइस पर्सनली मुझे इस वाले व्यू से ज़्यादा ये वाला व्यू रहने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिलैक्सिंग है, बट देखने के लिए मुझे ये वाला व्यू ज़्यादा अच्छा लगा। देखो नदी दिखता है, पहाड़ दिखता है, आसमान दिखता है, पेड़ दिखता है, ग्रास दिखता है, मिट्टी दिखता है, पत्थर दिखता है। वो नामती में ज़्यादा
खराब चला रहा हुआ था नामती नामती में इंडियन आर्मी और चाइना मेमोरेबल बनाया ना छोटा सा। और गाइस आप जब भी आते हो ना यहाँ पे तो फुल स्लीव्स पहन के आइएगा, देखो इतना बड़ा बड़ा कीड़ा तो बहुत छुटकू है, मच्छर जैसा है, मच्छर से भी छोटा है, क्या बोलते हैं हमारे उसमें लैंग्वेज में तामी ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो वो है उसने काटा, इतना मच्छर पीस के सामने फेल है। तो कुछ फुल स्लीव पहन के आइएगा, मैंने अपना जैकेट नीचे छोड़ दिया था गर्मी की वजह से, तो अभी मैं बचता रहूँ। तो चलिए जल्दी चलते हैं नहीं तो पूरा ये आलू निकल जाएगा ऐसा बड़ा बड़ा। चलो इस डेट को मैं आया हूँ, काइंडली कोई आता है तो साथ में फोटो खींचना और मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना। तो एक बार लॉन्ग वैली को बाय बाय कर देता हूँ, छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है बट और भी जगह कवर करना है मुझे। बाय बाय डोंग वैली, आई विल मिस यू, बाय बाय। और गाइस नीचे है डोंग विलेज, दो दो डोंग विलेज है, एक न्यू डोंग है एक ओल्ड डोंग है। तो ये देखिए कैसा विलेज का नज़ारा दिखा देते हैं। अरे मैं तो अपना जैकेट भूलने वाला था, यहाँ पे मेरा जैकेट मैंने छिपा के रखा हुआ था क्योंकि लोगों से डर के नहीं कि चोरी हो जाएगा बोल के नहीं, एक्चुअली यहाँ पे गायों का बोल बाला है, वो लोग सुना कि और कुछ भी मिले खा लेते हैं, प्लास्टिक हो, जैकेट हो, फोम हो, कुछ भी, टेंट हो, आपका टेंट भी खा जाएगा ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग, इसलिए उसको ऊपर छुपाया था। और गर्मी बहुत थी तो मैं छोड़ के आया था इसको, जिसके वजह से मेरे हाथों की हालत ये हो गई है। तो गाइस फाइनली पानी मिल गया है, मेरा फाइनली मेरा पानी ख़त्म हो गया था, साफ है ना। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और वहाँ पे आपको मिलेंगे टेस्टी टेस्टी प्रोडक्ट्स, टेस्टी निबल्स के और हेल्दी प्रोडक्ट्स भी है, और स्पेशल डिस्काउंट के लिए मेरा प्रोमो कोड लेजिंग यूज़ कीजिएगा।